बाबा जी किस संबंध में ये रैली निकाली गई है, क्या कारवा है? मैं पहले अपना परिचय देना चाहूँगा और सभी को नमस्कार करना चाहूँगा। मेरा नाम बाबा राम केवल अनशनकारी है और दो सड़कों को निर्माण को लेकर के हम ये धरना प्रदर्शन अनशन करने जा रहे हैं। महाराजगंज से और समरौता 17 किलोमीटर और मऊ से सिकंदरपुर 3 किलोमीटर। इस सड़क के निर्माण में विलम्ब ना जाने क्यों हो रहा है? या तो ये सड़कें भ्रष्टाचार के सिरे चढ़ गई, भ्रष्टाचार इन्हें निकल गया, या इस क्षेत्र के नेता जो हमारे प्रतिनिधि हैं या इस सड़कों को वो निकल गए। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि 15 साल से इन सड़कों का निर्माण क्यों नहीं हो रहा। और जब पूरे यूपी में सड़कों का जबरदस्त निर्माण हो रहा है तो हमारा क्षेत्र बछरामा सूता क्यों? हमारी एक ही मांग है कि इन सड़कों को जल्द से जल्द निर्माण करने का कार्य करे सरकार और हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि, चाहे विधायक हो या सांसद हो या अन्य जो नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, वो इन सड़कों को जल्दी जल्दी निर्माण कराने का कष्ट करें। हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं, यूपी में भाजपा ना किसी से दोस्ती। बाबा जी यूपी में भाजपा की सरकार है, भाजपा लगातार कह रही कि वो उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास कर रही है, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखो, चौमुखी विकास सबके सामने है, धरातल पर तो एक मुखी भी नहीं है और जो एक मुखी होता है वो बहुत काम करता है। और चौमुखी ब्रह्मा जी के हैं तो ब्रह्मा जी के मुखों से जाने कितनी वाणियां निकलती हैं, उसमें अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, सब तरह के हैं। हमारा सिद्धांत एक ही है कि सत्यवादी एक मुखी बने ये सरकार, चौमुखी तो जो इन्होंने करना था वो कर लिया। और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, एक कहावत है जो सबने सुनी होगी, कबीर की वाणी, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हमें तो अपना काम चाहिए, हमारा काम करा दिया जाए, इन सड़कों का निर्माण करा दिया जाए। और पहले हमने सड़क निर्माण के लिए मांग रखी थी, लेकिन अब हमको स्ट्रीट लाइट और उनके साथ में नाले भी चाहिए, चाहे जिससे पानी की निकासी का उचित प्रबंध हो सके। थैंक यू। हमारी मांग सड़क बनाओ।